तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, आज है सोमिया का रिजल्ट का दिन। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम हो गए थे, तो आज 8-10 दिन बाद उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैं सोमिया के साथ जा रहा हूँ स्कूल। मैं सोमिया से भी मिलवाता हूँ आपको, और उसके चलते हैं स्कूल और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहा। एक्चुअली पास तो वो हो गई होगी, इतनी तो बहुत होशियार है वो, बट उसके परसेंटेज कितने आए ये देखते हैं। और क्लास में उसने टॉप किया है, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन क्या आई है वो भी देखते हैं। तो चलिए सोम्या के स्कूल मेरे साथ आप भी, और देख लेके आते हैं सोम्या का रिजल्ट। तो फिर चलिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सोम्या से भी मिल लीजिए, ये जा रही है स्कूल अपना रिजल्ट लेने। तो सोम्या, पास हो गए होगे आप? हाँ। अच्छे परसेंटेज आए होंगे कि नहीं आए होंगे? चलो देखते हैं। तो चलो चलते हैं स्कूल और देखते हैं इसके कितने परसेंटेज आए हैं। तो चलो चलते हैं सोम्या के स्कूल। सो फ्रेंड्स, सोम्या स्कूल जाने से पहले मंदिर के दर्शन करने भी गई थी। बोल रही थी मुझे मंदिर के दर्शन करना है पापा, तो फिर मैं उसको मंदिर के दर्शन करा के स्कूल लेके गया। अब फ्रेंड, मैं और सोम्या दोनों स्कूल पहुंच गए थे। अब चलते हैं स्कूल में अंदर और सोम्या का लेते हैं रिपोर्ट कार्ड, और फिर आपको भी दिखाता हूं कि सोम्या के कितने परसेंटेज आए हैं और वो कैसे नंबरों से पास हुई है। तो चलिए चलते हैं स्कूल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये सोम्या की क्लास टीचर हैं जो सोम्या को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, और सोम्या की तारीफ भी कर रहे थे कि पढ़ाई में सोम्या बहुत अच्छी है।
सो फ्रेंड्स, सोम्या पास हो गई है और इसके परसेंटेज आए हैं लगभग 87 के आसपास। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई है और इसके परसेंटेज आए हैं 87। ये ग्रेड देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये A2, 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 A1। तो लगभग इसके परसेंटेज हैं सोम्या के 87। तो सोम्या को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। और सोम्या कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो पास होने की। और फ्रेंड्स को भी थैंक यू बोल दो, उन्होंने भी प्रेयर की थी आपके लिए। चलो, तो अब आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और फ्रेंड्स इसके मार्क्स अच्छे आए हैं और ये फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई है। अब इसको अगले आगे क्लास के लिए आप लोग मोटिवेट करते रहना कि आगे भी अच्छी तरीके से पढ़े और अपने ऐसे ही मार्क्स लाती रहे। सो फ्रेंड्स, मैं सोम्या को घर छोड़ के आ गया हूँ, उसकी मार्कशीट, उसका रिजल्ट उसको दिला के आ गया हूँ। और रास्ते में से उसने मिठाई भी खरीदी। वो कह रही मुझे अपनी कोचिंग वाली टीचर को है ना मिठाई खिलानी है, उनका मुंह मीठा कराना है, तो मैंने उसको मिठाई भी दिला दी। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि सोम्या का क्लास में थर्ड रैंक आई है। एक्चुअली वो अपने पूरे क्लास में थर्ड नंबर पे आई है वो। और फ्रेंड्स, उसके परसेंटेज भी ठीक हैं, मतलब इतने बहुत अच्छे भी नहीं हैं और बहुत बुरे भी नहीं हैं, बट ठीक है। 87% भी बहुत होते हैं, हमारे तो इतने भी नहीं आते थे जितने बच्चों के आए हैं। तो फ्रेंड्स, सोम्या अच्छी तरीके से अच्छे नंबर से पास हो गई है। और दूसरी बात ये कि है ना, बच्चों पर कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। बस उनको आप कह सकते हैं कि अच्छा पढ़िए, अच्छी तरीके से रहिए और बाकी जो भी करेंगे वो उनके लिए ही बेटर है। तो और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला था कि एक्चुअली मेरी बुआ ने मेरे लिए एक शर्ट भेजी है। एक्चुअली 9 मार्च को मेरा बर्थडे था ना, तो उन्होंने बर्थडे के अवसर पर मेरे लिए एक शर्ट भेजी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊँ कि शर्ट कैसी है। तो आप लोग भी देख के बताना कैसी लगी और कमेंट करके बताना कैसी है शर्ट। तो चलो, तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूँ कौन सी शर्ट पहुँचाई है मेरी बुआ ने, तो आप भी देख के बताना कैसी लग रही है। तो चलो देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है शर्ट, कलर कैसा लग रहा है आप भी बताना और कैसी लग रही है डिज़ाइन। ये मेरी बुआ रहती है ग्वालियर, उन्होंने पार्सल से ये मुझे पहुँचाई है शर्ट। ये अभी कोरियर आया था दोपहर में, तो ये शर्ट पहुँचाई है उन्होंने मेरी बर्थडे के लिए मेरे लिए। तो आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही है ये शर्ट, और दूसरी बात आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है इसका। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा साइज़ बड़ा लग रहा है ये, कि थोड़ी बड़ी लग रही है, बट पहन के देखूंगा फिर बताऊंगा कि ये मेरे लिए ठीक है कि मेरे लिए बड़ी साइज़ है। सो फ्रेंड्स, अब मैं करता हूँ वीडियो का एंड, और आप प्लीज़ कमेंट करके सोम्या को विश कर देना, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना उसके रिज़ल्ट की आने की खुशी में, उसके पास होने की खुशी में। और फ्रेंड्स, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।